जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स पेपर 14 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पढ़ना है वो क्या है, मैक्सवेल साहब का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसका जो एप्लीकेशंस है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आइंस्टीन साहब का जो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है सेकुलर टेट्रोड इक्वेशन, इसको भी आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी आपको पढ़ लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इन सिंबल, तो इन सिंबल्स का जो जितने भी टैप्स हैं उसका 3 टैप्स है उसको कंप्लीटली, इन सिंबल क्या होता है उसके तीनों प्रकार को हम लोग होल पूरा मतलब की कंप्लीटली कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद है एक प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, इसको भी आपको डिराइव करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ना है। और आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए दोस्त संपूर्ण नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई कहां से आएगा नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट अगर मिलता है तो वो हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें से किसी भी क्वेश्चंस का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने पेपर 13 का बहुत सारा क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, आपको मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सारा पेपर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नीड रहेगा उस पर वीडियो हम लोग बनाएंगे।